वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्टाविन की एक और नई वीडियो। सो सीन क्या है गाइस कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस बनाई हुई हैं कि कोलगेट लगाने से जो हमारी हेडलाइट की धूल होती है या फिर पीलापन जो आ जाता है वो हट जाता है। तो आइए उसको एक बार करते हैं चेक लाइव एग्जाम्पल से कि क्या ये जो मिथ्स चल रहे हैं ये सच हैं या झूठ, इसका आपको पता चल जाएगा पूरा लाइव डेमो। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आइए मेरे साथ। स्टाविन की वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो इट्स टाइम गाइस कि एक बार इसको करते हैं एक बार लाइव डेमो को स्टार्ट। पहले आप कर लीजिए एक बार इसका रिस्पॉन्स चेक कि बिफोर लुक इसका कैसा है। ये है हमारी ड्राइवर साइड वाली हेडलाइट, ये है हमारी साइड को ड्राइवर वाली हेडलाइट। सो अभी तक इसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक है, इसमें पीलापन आना स्टार्ट हो रहा है। सो तभी मैंने सोचा कि एक बार इस पर लाइव वीडियो बना के देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स सही है या नहीं, क्या जो कोलगेट लगाने से लोग कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स आ जाता है, चमक आ जाती है, तो क्या वो मिथ सही है या नहीं। करते हैं सबसे पहले आपको करनी है अपनी हेडलाइट को वॉश। तो करते हैं पहले अपनी हेडलाइट को वॉश, जिससे जितने भी इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सारे हट जाएंगे और कोई भी डस्ट पार्टिकल इसमें नहीं रहेगा। ये होगा ये हेडलाइट वॉश। तो कर लो इसको, आप एक बार इसको पोंछ लो, जिससे जो भी इसके जो चिपके हुए पार्टिकल्स होंगे वो सब हट जाएंगे। एंड मेक श्योर कि आप किसी टिश्यू या फिर पेपर से इसको पोंछें, क्योंकि हम इसको रब कर रहे हैं कांच पे। सो हो गई हमारी यहाँ पे हेडलाइट ड्राई बिल्कुल। सो अब अप्लाई करते हैं इस पर वो चीज़ जिसके लिए हमने फाइनली अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं। सो जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये कोलगेट। ये एक छोटा सा पैकेट है जिससे हम एक लाइव डेमो कर सकें बस। सो कोलगेट को करना है इस पर अप्लाई। तो एक बार मैं अप्लाई कर देता हूँ और करना कैसे है गाइस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस पर हल्का सा इसको अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर कि आप इसको रोटेट में करें, ना कि इसको स्ट्रेट करके, सिर्फ आपको रोटेट करके इसको अप्लाई करना है। तो मैं एक बार आपको पूरा अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो गाइस हो चुका है हमारा पेस्ट यहाँ पर पूरा अप्लाई। एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, कोई भी कोना यहाँ पे रहा नहीं है। साइड से भी एक बार आप लुक चेक कर लीजिए। सो ऐसा कुछ आपको दिखेगा जब आप कर दोगे इसको पूरा बफ। अब करते हैं इसमें रेत माल को अप्लाई, ठीक है। कौन से नंबर का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या ये रिस्पॉन्स रहेगा सही या नहीं रहेगा, वो तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो करते हैं एक बार रेतमाल को अप्लाई गाइस। सो नेक्स्ट स्टेप इज गाइस, बिफोर आप इसको अप्लाई करें आपको अप्लाई करना है थोड़ा सा वाटर, जिससे जो भी इसका ड्राई है वो थोड़ा सा निकल जाए। तो जस्ट 4 लीटर ऑफ वाटर। सो आपको करना है ये रेतमाल अप्लाई। ये है आपका 1000 नंबर का रेतमाल। तो मैं इसी से चेक करूँगा, इसके आगे वाले जो 1200, 1500, 2000 आते हैं उसके चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो करते हैं एक बार इससे अप्लाई। तो एक बार थोड़ा सा वाटर और कर देते हैं और एक बार यहाँ से कम। तो सीन अब ये है गाइस कि हो चुकी है हमारी पूरी बफिंग क्लीन, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप इसको कम से कम, अगर आप मैनुअली कर रहे हो मतलब अपने हाथों से कर रहे हो, तो आपको कम से कम इसको 200 से 300 बार आपको इस वे में आपको इसको रब करना है। अदरवाइज़ इसकी जो मशीन आती है उससे आप नॉर्मली आराम से इसको कर सकते हो। सो कुछ ऐसा भी दिखने में होने देते हैं इसको ड्राई और फिर आपको इसका क्लीन प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या ये सही में कोलगेट जो एक छोटी प्रोसेस है बफिंग करने के लिए वो सही है या नहीं। दूसरी साइड का अगर मैं आपको लुक दिखाता हूँ तो भी वो ऐसा ही है। इस पर हम करेंगे बाद में अप्लाई, पहले करते हैं इसको चेक। सो होने देते हैं इसको ट्राई और आपको दिखाता हूँ मैं इस पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स। सो बारी है गाइस इसको एक बार क्लीन करने की। ये हो चुका है हमारा पूरा ड्राई। तो करते हैं एक बार इसको क्लीन, और क्लीन करने का आपको सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ हल्के से इसको पानी करना है आपको पोर। सो एक बार करते हैं इसको क्लीन और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका लुक फाइनली कैसा आ रहा है।
गाइस इट्स टाइम कि आपको फाइनली रिस्पांस दिखा दिया जाए कि कैसा रिस्पांस निकल कर आया है। चेक दिस आउट गाइस, ये फाइनल रिस्पांस निकल कर आया है जब हमने इसके ऊपर पूरा वो प्रोसेस किया जिसको लोग शॉर्टकट बताते हैं कि इसको करने से आपकी हेडलाइट चमक जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। आप खुद रिस्पांस देख लीजिए, ये रिस्पांस निकल कर आया है। ये चीज़ बहुत हार्ड हो चुकी है, प्लस अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप भी चेक कर लो। तो ये हेडलाइट हो चुकी है पूरी ख़राब। क्रॉस मार्क मेरी तरफ से, स्टाविन की तरफ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कि आप घर पर ऐसा कुछ प्रोसेस करो जिससे आपकी हेडलाइट को भी ऐसा कुछ नुकसान हो। मैं तो अपनी हेडलाइट गाइस करवाऊँगा चेंज, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको ऐसा घर पे कुछ ट्राई मत करिए। यहाँ का भी रिस्पांस ऐसा ही हुआ है। सो स्टाविन की तरफ से बिल्कुल ऐसा रिकमेंड नहीं है कि आप घर में इसको प्रोडक्ट यूज़ करें। एंड जो भी आपको ये चीज़ दिखा रहा है यूट्यूब पे, बहुत फेक वीडियोस चल ही रही हैं, तो जो भी ये चीज़ आपको दिखा रहा है प्लीज़ मेक श्योर कि आप अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। सो मेरा आज का जो पॉइंट था आपको ये दिखाने का, वो शायद कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ होगा, कनेक्ट मैं इस चीज़ में आपको कर पाया होगा। करते हैं हम यहाँ पर वीडियो को अब एंड। जो मेरा कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर कनेक्ट किया होगा, जो आप वीडियोस देख रहे हो जिसमें वो रिस्पांस दिखा रहे हैं, इट्स टोटली फेक गाइज। आपके सामने मेरी हेडलाइट का रिस्पांस था जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है, जो उसका रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं गया। तो इन चीज़ों से गाइज अवेयर रहिए। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊं जो आजकल बहुत फेक में चल रही हैं, जिसके साथ साथ आप अपनी ही चीज़ों का नुकसान कर सकते हो। मुझे अपनी हेडलाइट चेंज करानी गाइज, तभी मैंने आपको इस पर लाइव डेमो का एक एग्जांपल शो किया था। स्टाविन, अगर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर कनेक्ट कर पाया है, सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन जाके हिट कर दीजिए गाइज, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं सब गलत है, गलत। तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और फेसबुक पे फॉलो करना है तो फेसबुक पे लिखिए स्टाविन, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो इंस्टाग्राम पे लिखिए aurora.sahaj96। और यहीं कहीं पर अपनी वीडियो को हम एंड, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून।